बिहार सचिवालय सेवा संघ का एक दिन का उपवास पटना के गर्दनीबाग में शुरू हो गया है। काफी संख्या में सचिवालय सेवा संघ के लोग जुटे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। इनका कहना है कि सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है, जिससे इन लोगों पर काम का भार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन लोगों ने पदनाम परिवर्तन के साथ साथ बीपीएससी से नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। इन्होंने सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 15 नवंबर तक सरकार ने इस मामले पर कोई दखल नहीं दिया तो आगे यह लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। चार घंटे का सांस्कृतिक उपवास है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 3 बजे तक और 15 नवंबर से शांति नहीं आता है तो उसके बाद श्रमिक वर्ग आंदोलन पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार कर और अन्य विकल्पों के पर विचार करने की बाध्यता होगी और हमें उनसे जाना पड़ेगा। मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए। मरगूब, सचिवालय सेवा संघ धरने पर बैठा हुआ है, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? देखिए, निश्चित तौर पर आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के अवसर पर आज ये लोग एक दिन का सांकेतिक उपवास इन लोगों का। अब ये लगभग 2000 से ज्यादा सचिवालय के वसन के लोग बैठे हैं और सरकार के खिलाफ लगातार 2 घंटे से नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि पदनाम का जो परिवर्तन है उसे लेकर के सालों से पूरा मामला अटका हुआ है, लेकिन सरकार कुंडली मार के बैठी है। दूसरा इनका कहना है 60% ऐसे लोग जो रिटायर कर गए हैं और अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे इनके काम पर इन पर बहुत ज्यादा काम का भार बढ़ गया है और इससे इनकी सेहत की स्थिति बहुत खराब हो रही है। इन दोनों मांगों को लेकर आज इन्होंने सांकेतिक उपवास का कार्यक्रम रखा है, लेकिन इस बीच उन्होंने एक घोषणा किया है कि अगर 15 नवंबर तक सरकार ने हमारे मांगों पर सदर विचार नहीं किया तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो हद हड़ताल होगा, वो हद अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। तो बिल्कुल एक धमकी और थ्रेटी सचिवालय सेवा संघ के लोगों के द्वारा सरकार को दे दी गई है। अब देखना होगा कि सरकार इनके मांगों पर विचार कब तक करती है। अगर नहीं कर पाती है तो 15 नवंबर के बाद किसी भी निश्चित तौर पर ये हड़ताल या अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की घोषणा कर देगी। चलिए, शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए।